राजस्थान के सीएम वसुंधरा राजे पर शरद यादव का तंज। चुनावी सभा में शरद ने वसुंधरा राजे पर की शर्मनाक टिप्पणी। राजस्थान के विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार के आखिरी दिन तमाम दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। एक ओर जहां खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी की ओर से मोर्चा संभालते नजर आए थे, वहीं कांग्रेस समेत बाकी दलों ने भी जमकर चुनाव प्रचार किए। लेकिन इसी क्रम में पूर्व केंद्रीय मंत्री और जेडीयू के पूर्व नेता शरद यादव ने सूबे के सीएम वसुंधरा राजे को लेकर शर्मनाक टिप्पणी करते नजर आए। दरअसल राजस्थान के अलवर में चुनाव प्रचार के आखिरी दिन शरद यादव ने मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के लिए विवादित बयान दिया है। अलवर की मुंडावर सीट पर कांग्रेस गठबंधन के कैंडिडेट के समर्थन में आयोजित एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए शरद यादव ने लोगों से कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में वोट देने की अपील की, तो वहीं वसुंधरा सरकार को उखाड़ फेंकने को कहा। इसी दौरान शरद यादव ये कहते सुने गए कि ये वसुंधरा इसको आराम दो, बहुत थक गई है, बहुत मोटी हो गई है, पहले पतली थी, हमारे मध्य प्रदेश की बेटी है। शरद यादव की टिप्पणी का ये वीडियो देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। उसके बाद सोशल मीडिया पर ही लोगों ने नाराजगी जताते हुए शरद यादव की खिंचाई शुरू कर दी। उधर सूबे की सीएम वसुंधरा राजे ने भी शरद यादव के इस बयान पर पलटवार किया है। झालरा पाटन में अपना वोट डालने के बाद वसुंधरा ने कहा कि शरद यादव ने जो कहा है वो महिलाओं का अपमान है। वसुंधरा ने कहा कि वो इस बयान से स्तब्ध हैं। अगर इतना बड़ा नेता अपनी वाणी पर संयम नहीं रख पाए तो काफी बुरा लगता है। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब शरद यादव ने इस तरह का विवादित बयान दिया हो। इससे पहले कई मुद्दों पर विवादित बयान देकर वो आलोचना का शिकार हो चुके हैं। इससे पहले 24 जनवरी 2017 को पटना की एक रैली में शरद यादव ने कहा कि वोट की इज्जत बेटी की इज्जत से बड़ी होती है। हालांकि इस पर विवाद होने के बाद शरद ने अपनी सफाई में कहा कि उनके कहने का मतलब ये था, जैसे बेटी से प्यार करते हैं वैसे ही प्यार वोट से भी करना चाहिए। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।